आइए बैठ जाइए। मेरा नाम है विक्की दादा। हेलो भाई। वेरी गुड एक्टिंग। अब अपनी एक्टिंग को फुल स्टॉप लगाकर जरा मैटर पर आ। मेरे बॉस ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो 100% सही है, ये तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चल गया भाई। विक्की दादा को ज्यादा बोलना पसंद नहीं, सिर्फ काम पसंद है, काम। ओके ओके ओके, तुमसे एक सीक्रेट डील करनी है भाई। ये लोग अपने इन चेलों पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। डील क्या है? आई सी। लुक दादा, मेरे बॉस जैकब ने, तुम मानो या ना मानो, इस बैग को मेरे हवाले किया है। 5,000 बिलियन डॉलर्स को इंडियन करेंसी में प्रिंट करना है, और वो भी 1,000 रुपीज के नोट की प्रिंट निकालनी है। हाँ, इस काम के लिए तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा। सिर्फ 10%? इतना तो मुझे लड़कियों पर उड़ाने पर भी कम पड़ता है। 20%? 20% में ये सब कैसे मेंटेन करूंगा? 30% दादा। ये हुई ना सोने जैसी खरी बात। प्रिंट में जरा भी मिस्टेक हुई तो इस विक्की दादा के हिस्ट्री में आज तक कोई रिमार्क नहीं आया। गुड। हमारा फाइनेंशियल एम्बिशन कंट्रोल फुल्ली तुम्हारे हाथ में है, समझो। रुपयों को रियाल में, रियाल को दिनार में, और दिनार को डॉलर्स में, और डॉलर्स को पाउंड्स में बदलकर वर्ल्ड फाइनेंशियल कंट्रोल पूरी तरह अपने कब्जे में रखने के लिए बड़ी मुश्किल से ये प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। नो डाउट। बाय द वे विक्की दादा, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ। ओके ओके, समझो तुम्हारा काम हो गया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। विक्की दादा की पूरी लाइफ में ये सबसे बड़ी डील है। तुम लोग तुरंत जाकर इंटरनेट ओपन करो, देखो इंडिया का बेस्ट डिजाइनर कौन है और वो कहाँ मिलेगा, क्योंकि इस बार ये 1,000 रुपए के नोट की डिजाइन हम सबको देखना कितना ऊपर ले जाने वाला है। Any information? सर, इंडिया के टॉप 10 डिजाइनर में से नंबर 1 डिजाइनर हमारे स्टेट का रहने वाला है। उसका नाम विजय है और वो हैदराबाद का है। इस वक्त कहाँ है वो? उस तक पहुँचना मुश्किल है सर। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसका पता लगाओ और उसे लाकर मेरे सामने सरेंडर करो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ सब लोग। प्लीज कंट्रोल सर, वो इस वक्त जेल में है। क्या कहा? जी हाँ सर, वो इस वक्त सेंट्रल जेल में है। ऐसा है क्या? सेंट्रल जेल। इधर आ। उस सेंट्रल जेल का जेलर कौन है? हाँ, मैं बेगुनाह होकर भी सजा भुगत रहा हूँ। मैं अपने बच्चों से दूर हो गया, अपने खानदान से दूर हो गया। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। हे भगवान, तू रो रहे हो भाई? चुप हो जाओ, रोने से कोई फायदा नहीं है। दोनों मातम मना रहे हो यहाँ? ये सब मेरे राज में नहीं चलेगा। लड़की अगर आई लव यू कहने से इनकार करे तो तुम एसिड फेंकोगे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो क्लासरूम में जाकर मर्डर करोगे। शादी के लिए घर वालों ने इनकार किया तो पूरी फैमिली को खत्म करोगे। तुम जैसे कैदियों के लिए सलाखों के पीछे की सजा काफी नहीं है। मेरा बस चले तो तुम्हें लॉकअप में ही खत्म कर दूं। माइंड इट। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। गुड
मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तुम लोग हमें विक्की दादा ने भेजा। विक्की दादा, हु इज ही? शहर के बादशाह है। अच्छा, उसे क्या काम है? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करना चाहते हैं, इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू मैडम। बॉस, जेलर मैडम आई है। वेलकम वेलकम जेलर मैडम, आइए बैठे प्लीज। थैंक्स। मुझसे क्या काम है? है ना मैडम, तुम्हारे स्टेटस के लिए, तुम्हारे काम के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो इस जेलर से कुछ है तभी तो याद किया है। कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स? ड्यूटी में रहती हूँ तो हॉट रहती हूँ, और ड्यूटी के बाद कूल हो जाती हूँ। बताओ बात क्या है? अगर मैंने आपको डील बताई तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इसलिए मैं ये सब तुम मत सोचो, खुल के डील के बारे में बताओ। मुझे ये सब हैंडल करना आता है। इंडिया का नंबर वन कंप्यूटर डिजाइनर विजय कुमार इस वक्त आपके जेल में है। व्हाट? यस, मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके लिए उस विजय को आपको मेरे हवाले करना होगा। इम्पॉसिबल। जिसे सजा मिल चुकी हो उसे बाहर निकालना आसान नहीं है। मुझे पता है जेलर के हाथ में बहुत ताकत होती है जिसका सही इस्तेमाल करके आप विजय को बाहर निकाल सकती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए खुलकर बताइए। तुम्हें उससे क्या काम है? हजार हजार के कड़क नोट की डिजाइन बनवानी है जो सिर्फ विजय ही कर सकता है। उसे आप मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपको सोने से लाद दूंगा। हाईटेक सिटी के पास आपके लिए शानदार बंगला बुक होगा, बेंज कार गिफ्ट होगी, इसके साथ 3 करोड़ कैश दूंगा, वो भी ब्लैक में। गिनते गिनते पागल हो जाओगी। अभी के लिए ये 30 लाख रुपए एडवांस। अच्छा, 30 दिन ड्यूटी करके, सरकारी गाड़ी में घूम के, पसीना बहा के, भागदौड़ करके, इतने सारे क्रिमिनल्स को कंट्रोल करके, 30 दिन के बाद 30,000 की सैलरी मुझे मिलती है। 3 मिनट में 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देकर तुम मेरे साथ डील कर रहे हो। इतने पैसों के लिए मैं कितना भी बड़ा रिस्क उठा सकती हूँ। अब बताओ क्या करना है? विजय कुमार को मेरे हवाले कर दीजिए। स्मॉल चेंज। जो काम तुम्हें उससे बाहर करवाना है वो काम मैं उससे जेल में करवा लूँ तो? वेरी गुड आइडिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। बाय। बॉयज। बॉस, ये पुलिस वाली बहुत खतरनाक दिखती है, इस पर नजर रखो। बुड्ढे, जेलर के पास तूने मेरी कंप्लेन की है? इसमें धूल लगी हुई है, इसे मत खाइए,
सेहत बिगड़ जाएगी। ये खाइए दादा, लीजिए। नहीं दोस्त, ये तेरी जान ले लेगा। बहुत खतरनाक आदमी है ये, मत लड़। शांत कैसे हो गए पता नहीं। टाइगर, टाइगर हूँ मैं। जी सर। जैसे ही इस टाइगर का नाम सुनते हैं सब लोग कांपने लगते हैं, समझ गए? बिल्कुल सर। फॉलो मी। सर, टाइगर सर आए हैं, सब लोग सर झुकाओ। हम कह दिए तो क्या हुआ, सर नहीं झुकाएंगे, हमेशा सर उठा के रखेंगे, याद रखना। ये भी टाइगर लगता है, देखने में छोटा है लेकिन हिम्मत वाला है। तो यहाँ घास काटने आया है? नहीं सर, 10 रुपए वापस लेना था, नहीं दिया तो चाकू घुसेड़ दिया और यहाँ पर आ गया। टाइगर भाई आए क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मुंबई खान। यहाँ पर किस लिए आए? मुझे आगे से पकड़ के पीछे से धकेल दिया भैया। सवाल पूछे ना, अब जवाब दीजिए। तुम क्यों नहीं पूछते? मैंने आगे से पर्स निकालने की कोशिश की तो मुझे पीछे से पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या कह रहे हो? क्या रे, लड़कियों के सामने बड़ा भाषण दे रहा था। अरे रवि, क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं इससे बात कर रहा हूँ। क्यों रे, तू अपने आप को हीरो समझता है? रवि, बात आगे मैं बढ़ाऊं। ए रवि, क्यों मारपीट करना चाहता है? ए हट रे, मैं बोल रहा तेरे वहां। ए रवि, तेरे दिल। अब बता क्या बोल रहा था, बोल ना। Hey!
क्या सोच रहे हो? तुम्हें लगा कि मैं वहां से डर कर भाग आया? बड़े बड़े लोगों को बनाने वाले इस पवित्र विद्या के मंदिर को तुम्हारे जैसे कमीनों को मारकर गंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए यहां तक खींच कर लाया। तो अब दो दो हाथ हो जाए। मनोज, श्रीकांत कहाँ है? यार श्रीकांत, जस्ट मिस किया तूने, वरना रियल फाइट देखने को मिलती। विजय को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका नाम ही जीत है। क्लासरूम में तुमने काफी सारी अच्छी बातें कही माँ और बहनों के बारे में। आई एम इम्प्रेस्ड। इसकी माँ इसके बचपन में ही गुजर गई, इसीलिए इसकी जिंदगी का एक ही त्योहार है, मदर्स डे। जो माँ से प्यार करता है वो हर औरत की कदर करता है, जो देश से प्यार करता है वो पत्नी से भी करता है। कल मेरा बर्थडे है, तुम पार्टी में जरूर आना। हा? नजर मुझ पर और इशारा किसी और को, सीधा उसी से कह दो ना। आओगे ना? तुम नहीं भी कहती तो भी ये जरूर आता। शालो, बहुत टाइम हो गया, अब केक काटो बेटी। बस थोड़ी देर और डैडी, एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। तुम किसका इंतजार कर रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। सब तो आ चुके हैं बेटा, अब किसका इंतजार बाकी है, चलो केक काटो। मम्मी, अब कोई भी एक अच्छा सा गाना सुनाओ। और कोई क्यों गाएगा, बर्थडे गर्ल ही गाएगी। क्या, मैं? गाओ बेटा, गाओ, गाओ, गाओ ना, प्लीज गाओ, 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 गाओ ना। रिपोर्ट्स आ गए हैं। डॉक्टर, लक्ष्मी जी के बेटे तुम हो क्या? हाँ जी, हाँ सर, क्या हुआ उन्हें? लक्ष्मी जी की कंडीशन सीरियस है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। एक काम कीजिए, कैश काउंटर पर 2,00,000 रुपए जमा करवा दीजिए। ओके डॉक्टर, मैं इंतजाम करता हूँ, आप कैसे भी उनको बचा लीजिए। ओके ओके। श्रीकांत, विजय, विजय, ए, क्या ये सब? उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरी कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं हूं ना यहाँ। देखो, ये बच्चों के जैसा रोना बंद करो, एक छोटा सा ऑपरेशन है। ए, शांत हो जाओ यार, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। भाई तुम जाकर माँ के पास बैठो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। कैसे यार? कैसे? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। तू बस हिम्मत रख, हिम्मत से काम ले। ओके, मैं होके आता हूँ। श्रीधर, अरे विजय,
बैठना, सही टाइम पे आया है, चल कंपनी दे। नहीं यार, मुझे अर्जेंट कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों, इंजॉय करने के लिए? नहीं यार, श्रीकांत की मम्मी का ऑपरेशन होना है। सिली जोक। ये क्या श्रीधर? अरे तू भी क्या यार, फालतू फैमिली सेंटीमेंट्स में पड़ गया। अरे ये लाइफ होती है ना इंजॉय करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए नहीं। कम ऑन, चीयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर। हे, आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए ना। सॉरी सॉरी यार। चलो ठीक है, अब बताओ बात क्या है। वो अपना श्रीकांत है ना, उसकी माँ का हार्ट का ऑपरेशन है। उसके लिए तू मुझसे क्या चाहता है? मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड को ठीक से टाइम नहीं दे पाता हूँ, और तू यार बीच में आ जाता है, कभी माँ तो कभी बहन का सरदर्द लेकर के। जुआ खेलने वाला खेल खत्म होने तक रुकता है, और शराब पीने वाला लुढ़कने तक नहीं उठता। उसी तरह तेरे जैसे अय्याश मौत की बीमारी होने तक अय्याशी नहीं छोड़ते। ए, रोज ऐसी लड़कियों के साथ अय्याशी करने वाला भला माँ के दर्द को क्या समझेगा। माँ कैसी है? ऑपरेशन सक्सेसफुल, तुम जा करके मिल सकते हो। ओके डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। माँ अपने बच्चों के सामने ऐसे हाथ नहीं जोड़ते, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। माँ मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। माँ हम दोनों का शरीर भले दो है, लेकिन एक जान है माँ। आज से सिर्फ यही आपका बेटा नहीं, मुझे भी आप बेटा बुलाइएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड सर? 2 लाख नकली नोट आपके हॉस्पिटल से जमा हुए हैं, बैंक मैनेजर ने कंप्लेन की है। मिस्टर वेंकट सर, हमारे यहाँ से 2 लाख के नकली नोट जमा किए गए हैं, क्या ये सच है? वो पैसे किसने डिपॉजिट किए ये तो पता नहीं, लेकिन बैंक में मैंने ही जमा किए हैं सर। मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। जमा किसने करा है पता करने के लिए समय तो दीजिए। वेंकट आज तुमने हमारे हॉस्पिटल के नाम को बदनाम कर दिया है। यू आर सस्पेंडेड। सर मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है सर, सच कह रहा हूँ सर। अरेस्ट हिम। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर मुझे रुक जाइए सर। सर मुझे कुछ भी पता नहीं है। वो पैसे मैंने जमा किए हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं सर, माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने जमा किए थे, मुझे अरेस्ट कीजिए। नहीं सर, मैंने जमा कराए हैं, मुझे अरेस्ट कीजिए। ये कोर्ट में बताना। इतना दुखी क्यों हो रहा है यार? ये सब मेरी वजह से हुआ। जो हुआ उससे दुखी होने के बजाय माँ की जिंदगी बच गई ये सोच के खुश हो जाए। चाहे जो भी हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने जो काम किया है उससे सभी हमें गलत नजर से देखेंगे। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पेट की आग बुझाने के लिए रोटियां भी चोरी की है मैंने। माँ की जान बचाने के लिए अगर मुझे थोड़ा सा गलत काम करना पड़ा तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो भी मैं बिना हिचके खुशी खुशी तैयार हो जाता उसके लिए। विजय श्रीकांत। श्रीकांत तुम्हें दूसरे सेल में भेजा जा रहा है। नहीं सर, हमें अलग मत कीजिए सर। ये ऑर्डर ऊपर से आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। विजय श्रीकांत। विजय तुम्हें जेलर मैडम बुला रही है।
गुड मॉर्निंग मैडम। ओ मिस्टर विजय कुमार, डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, प्लीज कम। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? बताती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम इंडिया के नंबर वन डिजाइनर हो। मेरे लिए भी एक डिजाइन बना कर दो। कैसी डिजाइन? सिंपल, वेरी सिंपल, 1000 रुपीज नोट का डिजाइन। मैडम। यस, मुझसे हाथ मिलाओ, तुम्हें कार, बंगला और मन चाहे लड़की भी मिलेगी। इससे तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी और तुम लाइफ में सिर्फ एंजॉय करोगे। नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा, और नकली नोट प्रिंट करना देशद्रोह नहीं है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्ही ने नकली नोट्स प्रिंट किए हैं, लेकिन सरकार को नहीं मालूम, इसलिए तुम्हें ज्यादा बड़ी सजा नहीं मिली, बल्कि सिर्फ 1 साल की ही सजा मिली। तो सरकार को यह बात पता चल गई तो 7 साल की सजा कंफर्म। और अगर तुम चाहते हो कि किसी को पता ना चले तो मेरा काम करना होगा। Come on. वैसे तो आपने कानून की वर्दी पहनी हुई है, लेकिन बात एक क्रिमिनल की तरह कर रही है। पूरी जिंदगी इस जेल में पढ़ के सड़ जाऊंगा, लेकिन आपका साथ नहीं दूंगा। अच्छा मिस्टर विजय, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या सजा पाओ या हाथ मिलाओ। इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें पूरे एक दिन का वक्त देती हूँ, अपना फैसला बदल दो। यू मे गो नाउ। हे यू, अगर मान गए तो इसमें तुम्हारा ही भला है, और अगर ना किया तो दुनिया से गायब हो जाओगे। होम मिनिस्टर साहब, अगर आपने साथ दिया तो डील का सक्सेसफुल होना तय है। श्योर। इसलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर का सही इस्तेमाल करके तुम जैसे लोगों का साथ दे रहा हूं। थैंक यू सर, आप तो हमारे गॉडफादर हैं सर। चमचागिरी से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ, मेरा परसेंटेज मुझ तक पहुंच जाना चाहिए। आइए जेलर मैडम। होम मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? सर। होम मिनिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं तुम यही सोच रही हो ना? जब तक सर पे कैप है तब तक ऑन ड्यूटी, नहीं तो यू आर ब्यूटी। टेक योर सीट। यस सर। विक्की दादा ने मुझे सारी बात बता दी है, वो डिजाइन तुम कंप्लीट करवा दो, तुम्हारा जेलर से प्रमोशन करवा के एसपी में प्रमोट कर दूंगा। थैंक यू सर। खादी से खाकी हाथ मिला ले तो देश का पूरा सिस्टम हमारी जेब में होगा। यू आर राइट। मैडम ये बताइए, वो विजय क्या कर रहा है? पहली बार में ज्यादा फुस करना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसे एक दिन का वक्त दिया है। आपको क्या लगता है, विजय मानेगा? नहीं माना तो मैं उसकी चिता बना दूंगी। हम लोगों को उसकी मौत से ज्यादा करेंसी की जरूरत है, ध्यान रखो। यस सर। वेरी गुड दादा, हमलावर शेर को तुमने पिंजरे में बंद करवा दिया और जंगली शेरनी को तुम रिंग में नचा रहे हो। और ये जेलर भी एक खतरनाक शेरनी है जिसे तुमने वश में करके रखा है। यू आर ग्रेट दादा। थैंक यू सर। पैसा मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। पापा मेरी फीस। बेटा आज तुम्हारे एग्जाम की फीस भरने का आखिरी दिन है ना, और मुझे भी आखिरी सैलरी मिलने वाली है क्योंकि कल मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैं फर्स्ट क्लास पास होकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढकर सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। बेटा इसी उम्मीद से तुम्हें पढ़ा लिखा रहा हूँ, तुम्हें सारी खुशियाँ मिले यही मेरी ख्वाहिश है। पैसे ले जाओ। और क्या हुआ पापा? पर्स गायब हो गया। अब क्या करें पापा? देखा ना बेटा, भगवान हमेशा दुखियों को और कठिन परीक्षा में डाल देते हैं। एक तरफ दुनिया में अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ हम जैसे गरीबों का जीना मुश्किल है, जिन्हें दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने में भी मशक्कत करनी पड़ती है। दादाजी ये लीजिए आपका वॉलेट। हाँ
बेटा तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आ गए। आप उस भगवान को याद रखो, यही काफी है। हे ऊपर वाले, तुम सच में हो। आज तो तुमने इस बच्चे के रूप में आकर हमें सच में दर्शन दे दिया। मैं ही नहीं समझ पाया। हे ऊपर वाले। ए, जी आया सर। उस थैली को इधर लेकर आ। हाँ लेके आया सर। ये क्या है? मुर्गी का अंडा। मैंने तुमसे तंदूरी लाने को कहा था और तुम अंडा लेकर आए। मुर्गी भाग गई क्या? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? आपने मुझे समझ कर क्या रखा है? आप अपने आप को जिला कलेक्टर समझते हैं? आप एक असिस्टेंट जेलर हैं। क्या बक रहे हो? मैं नहीं बोलता हूँ सर। हा? वो कैदी लोग बोलते हैं। वो लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं? वो सारे सब्जी बेच रहे हैं सर। मतलब मेरी इज्जत का भाजीपाला कर दिया। मैं सबको जेल में डालकर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। वो सब आपके चक्कर में नहीं आने वाले। सुनो एक काम करो। क्या सर? गेट आउट। रुको, क्या हो गया सर? थैली लाओ। ये लीजिए आपकी अमानत। अंडा निकालो। ये लो, अब जाओ। ये अंडा खाने से क्या होता है मुझे तो पता नहीं है, खा लेता हूँ। ये कौन चंद्रमुखी? पहचाना नहीं? मैं हूँ जी। तुम हो? अरे भगवान, तुमने तो इस टाइगर को डरा ही दिया। अच्छा ये बताओ, ब्यूटी कंपटीशन का क्या हाल है? इस पूरे इलाके में मुझे कौन हरा सकता है? डार्लिंग, अब इसे अंदर लेकर जाओ और जल्दी बनाओ। जाओ। पागल औरत, सच समर ले, ये तेरा लास्ट टाइम है। क्या आपने लास्ट टाइम कहा? हाँ, वो इसलिए कहा कि तुमने अपने आप को लास्ट में तैयार किया है ना, इसीलिए तुम फर्स्ट आओगी। थैंक यू जी। वेट कीजिए, जूस लेकर आ रही हूँ। हाँ, गाढ़े दूध में लाना। विजय, तुम्हारा टाइम हो गया है। तुमने फैसला बदला? क्या डिसाइड किया? नो मैडम, जान भी चली जाए तो भी नहीं। अच्छा, तुमसे ये काम कैसे करवाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ जितने भी क्रिमिनल्स आते हैं, कोई मुझे ना नहीं कह सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? अगर तुम हाँ करोगे तो ऐश करोगे, नहीं तो। हाँ, नहीं तो शूट करोगी? शूट तो मैं बाद में करूंगी, अभी तो तुम्हें पल पल टॉर्चर करना बाकी है। अपने रास्ते पर नहीं आए ना तो लास्ट गोली तुम्हारी। स्टार्ट करो। Yeah.
चलो हाँ? कुछ कहना चाहती थी ना? मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊं। ओहो, तो दिल इसी सोच में घूमा है? देर कर दी या गलती हो गई तो तुम अपना दिल किसी और को दे बैठे तो? हाँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। शालू, बेचे क्या हुआ? लड़कियों का पैर लड़कों को नहीं छूना चाहिए। श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पैर छुए थे और श्री रामचंद्र जी ने सीता माता के पैरों में चरण पादुका पहने थे। उसी तरह से मैं भी अपनी होने वाली बीवी के पैर धोना चाहता हूँ। सुन रहे हो? हा? लड़की को खुश करने के लिए हीरो उसके पैर धोने की बात कर रहा है। अरे हम किस दिन काम में आएंगे? हम इसे नहला देते हैं ना। छोड़ो विजय, इनके मुंह मत लगो। ए, ये हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, हम लगा लेते हैं। चला जा रानी। मजा आएगा। चल निकल। चल।
अब मेरे लाडले का दूध पीने का टाइम हो गया और मेरी गुड़िया रानी का गाना सुनने का टाइम हो गया। चलो मैं चलती हूँ। शांति कुछ करना, शांति। नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। शांति प्लीज। तुम क्या जानो बच्चे क्या होते हैं? हमारे बच्चे और पति सेम और सेल की तरह होते हैं। सेल फोन में पावर नहीं रहा तो सिग्नल किसी काम का नहीं। बच्चे ना हो तो मुश्किल, हो तो मुश्किल। मैं चलती हूँ। शांति शांति प्लीज, शांति बता दो ना प्लीज। टॉक टाइम वेस्ट करोगी तो बैलेंस कहाँ से बचेगा? और अगर रिचार्ज नहीं किया है तो रिचार्ज करवा लो ना, वरना तुम्हारा सिम डैमेज हो जाएगा। किसका सिम? आपका। सिम और गम की बात बाद में, पहले लंच लगाओ। खुशी खुशी खाते हैं, खुशी खुशी सो जाते हैं। कमान परोसो परोसो परोसो, बहुत तेज भूख लगी है, लगाओ परोसो। सोच क्या रही हो, निकालो। खुद निकाल कर खा लो। अच्छी बात है। ये क्या कच्चा चावल और ये कच्ची सब्जी? अरे ये क्या जिंदा चिकन, इसे पकाया नहीं, क्या है ये सब? तुम्हारी सेवा बहुत कर ली मैंने। मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करा कर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कहा? मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बनी हूँ, अचार बनाने के लिए नहीं। तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। गुलाम? हमारी शादी से पहले तुम तालियां बजाकर या मुझे बाहर ले जाकर अपना प्यार जताते थे। अरे ओ भगवान, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जब तक तुम मुझे बच्चा नहीं दे देते तब तक तुम्हारी भूख प्यास से कोई मतलब नहीं। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? कैसा पति मिला है मुझे। लाइफ इज वाइफ, वाइफ इज लाइफ। मेरी वाइफ तो दिन ब दिन नाइफ की तरह हो रही है, जिसकी धार को वो हर दिन तेज करती जा रही है, पता नहीं किसको काट दे। इसीलिए कह रहा हूँ जाकर कोई अच्छा सा मुर्गा देख कर अपनी जिंदगी जीने जा। नमस्ते जेलर मैडम। ओह मिस्टर विकी दादा, मैटर कहाँ तक पहुँचा? यू डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझ पर पार्टी का प्रेशर बहुत बढ़ गया है और मेरी टेंशन भी बढ़ती जा रही है। नो टेंशन, प्लीज रिलैक्स। बहुत जल्दी मैं तुम्हें गुड न्यूज दूंगी। ओके, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा इरादा बदल गया। वो कभी नहीं बदलेगा। जो इरादा बदल दे वो इंसान नहीं जानवर है। तो फिर तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। मान जाते तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग हो जाती। सब कुछ बदलने वाला वो भगवान है। लेकिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने जो कहा है वो करो। ये नामुमकिन है। मुमकिन करना होगा, इज्जत से मान लो वरना। अच्छा चल, तुझे एक और चांस दिया। मारना चाहती हूँ तो मार दो, मार दो मुझे। मैडम जेलर मैडम को गोली मारी है, जेलर मैडम को, मैडम को गोली मारी। तेरी इतनी हिम्मत नहीं किया। मुझे देखते ही वो अपना आपा खो बैठता है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो कोई साइको पेशेंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत गुस्से वाला भी है। जो लोग मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। वो जो चाहते हैं वो ना होने पर, वो जो मांगे उसे ना मिले तो वो मेंटल अपसेट होके इस तरह का बिहेव करने लगते हैं। इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देना ही काफी नहीं है, इलाज का एक और रास्ता है। ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। उसे जान को कोई खतरा तो नहीं है? नो, लो वोल्टेज में हम शॉक देते, उसे क्या होता है पूरी बॉडी की नसें जकड़ जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। आई सी। लेकिन पेशेंट के जान को कोई खतरा नहीं होता। ओके डॉक्टर, हमें पेशेंट को सही रास्ते पे लाना है, आपको जो सही लगे कीजिए। श्योर श्योर, आज से ही ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आ, 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 आ,
क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा तोहफा? मैंने तुम जैसे कीड़े बहुत देखे हैं। तू ये टॉर्चर सहन नहीं कर पाएगा। अभी भी वक्त है, जो मैं कहती हूँ वो कर दे। नहीं 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 करूँगा। अच्छा, जब तक तू नहीं मानेगा ये ट्रीटमेंट चलती रहेगी। जितनी जल्दी मानेगा तेरे लिए अच्छा होगा। श्रीकांत, क्या है चाचा? तुम्हारे फ्रेंड विजय को टॉर्चर किया जा रहा है। किस लिए? पता नहीं, तुम्हारा फ्रेंड विजय सेल में एक लाश की तरह पड़ा हुआ है। ऐसा है, लगता है इसीलिए हमारी सेल बदली गई। विजय, 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 कैसा था मेरे यार, क्या हाल हो गया तेरा? अमेरिका में जाकर जॉब करने वाला था तू, और आज इन सलाखों के पीछे ऐसी हालत में है। तेरी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। ए, दो मर्डर करने के बाद भी तू इस तरह चेहरा लटकाकर शरीफ बन रहा है? इसकी गलती बहुत छोटी है। वो सब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सब जानता हूँ। बोल बचन करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार दिमाग से भी काम किया करो। अमीरपुर के सूरी को
और वर्सोवा के शंकर को मैंने किस तरह कंट्रोल किया है तुम्हें पता नहीं है समझे? और तुम तो मेरे सामने एक मच्छर की तरह हो। इतनी मेहनत से जेलर साहब ने उन कैदियों को पकड़ा था, उन्हें मारते तो मुझे देर नहीं लगी, तो तुम क्या हो? एक दूंगा। तुम जरा हटो। असिस्टेंट जेलर कौन है? आप हैं। तुम कौन हो? आपका असिस्टेंट हूँ। किसका क्रेडिट छीन रहे हो? आपका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ कब से काम कर रहे हो? 10 साल से। तुम उसी जगह पर क्यों हो? कमजोरी से। तो फिर हद में रहो। अगर ये गलती तुमने दोबारा की तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ रहोगे, और अगर बाहर गए तो तुम्हारा करियर जिसे मैं ही करूँगा अब याद रहेगा। खामोश। सर, लगता है आप किसी परेशानी में हैं सर। परेशान तो हूं ही, क्या क्या बताऊं? क्या बात है मुझे बताइए सर। कहते हैं वाइफ इज लाइफ, पर मेरी वाइफ लाइफ में नाइफ बनकर मेरी लाइफ को ही कट करना चाहती है। आपकी मुसीबत देखकर मेरा हृदय बम की तरह फटा जा रहा है सर। सब किस्मत का खेल है सर। आपकी परेशानी देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जरूर कोई दोष है। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या? सर, मेरी पहचान में एक वास्तु शास्त्र के जानकार हैं सर। आप कहें तो मैं एक बार उन्हें बुलाकर आपसे मिलवा दूं सर। जल्दी बुलाओ। कौन है ऐसे समय में फोन करके मेरा दिमाग खराब कर देता है? हेलो। हेलो वास्तु शास्त्री जी, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ। हाँ गुड्डू बोलो। आप कहाँ है शास्त्री जी? वास्तु के काम के लिए विदेश आया हूँ। वास्तु के काम से विदेश गए हुए हैं तो यहाँ कब आने वाले हैं? वहाँ तो आना ही है, वीजा एक ही महीने का है, ये काम खत्म कर लो। ये कैसी आवाज है? कोई आवाज नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है थोड़ी। मैटर क्या है बताओ? हमारे असिस्टेंट जेलर साहब का वास्तु दिखवाना है। क्या दिखाना है? अरे घर का वास्तु। अरे वो तो बहुत ही बढ़िया है, किसी दिन आ जाओ तुम्हारे साथ चल चलूंगा। धन्यवाद शास्त्री जी। सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं उसे छोड़ दूं क्या सर? ऐसा मैंने कहा क्या? मैंने उसे पैसे लिए हैं सर। किसी ने 100 रुपए दिए तो? 50 रुपए आपका। ठीक है फिर लेके जाओ। सर, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारे साथ जिंदगी कितनी सुकून से कट रही है। वो क्या है ना, इंसान को बिजी रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए कभी कभार ये काम भी कर लेता हूँ। बैंकॉक में ब्रेकफास्ट, लंदन में लंच, सिंगापुर में स्नैक्स, ये बिल्डअप देना पड़ता है। तुम ये सब छोड़ो, हम लोग अपना खेल शुरू करते हैं। तो शुरू करें चंपा। क्या हुआ, तुम्हारे आशिक का फोन है? हेलो, दुबई का शेख? हाँ हाँ अभी आ रही हूँ। कबाब में हड्डी? दुबई के शेख ने बुलाया है, मैं दुबई डिनर करने जा रही हूँ। बाय डार्लिंग। कहाँ जा रही हो चंपा? मैं लोगों को वास्तु बदलता हूँ, तुमने मेरी ही बदल दी। अगली बार जब मिलोगी तुम्हारा वास्तु बिगाड़ के रख दूंगा। स्टार्ट। यही है वो वास्तु शास्त्र के जानकार। इन्हीं का वास्तु देखना है क्या? इनका नहीं, इनके घर का। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस घर का वास्तु है बेकार। ये क्या है? दीवार है। दीवार हर घर में होती है मुझे पता है। ये ईशान कोण है, मतलब धन दौलत। सारे गा मा पा धा नी सा। ए, जल्दी यहाँ लगाओ, अग्नि की फोटो लगाओ। हाँ, इस अग्नि को लगाने का क्या मतलब है? मैं अपना काम करूँ कि जाऊँ? अग्नि का क्या मतलब है? यानी अरुंधति। नहीं छोड़ूंगे। अब इसके आगे अनुष्का को लाओ, अनुष्का को लाओ, अनुष्का को। अरे यार अब क्या हो गया सर? नृत्य कौन है, नगीना लगाऊं क्या? एक काम करो, सारा काम तुम्हें कर लो। रुक जाइए, आप बताइए, आप चुप रहिए ना सर। एक्शन, यहाँ हंसिका को लगाओ। रुक जा। क्यों? आगे तमन्ना और पीछे प्रियंका चोपड़ा, उत्तर में उर्मिला,
दक्षिण में दीपिका पादुकोण को लगा करके आप घर का वास्तु आराम से ठीक कर सकते हैं। और मैं तुम गणेश भक्त गणेश जी की मूर्ति लगा के उनके पीछे सो जा। बैठिए। लगता है मुझे संसार की सारी खुशियाँ मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे जरा चाय तो लेकर आना। भाभी जी बहुत ही सुंदर चाय बनाती हैं। अच्छा। माय वाइफ। नमस्ते जी। दीर्घ शुभ मंगली भवा। सारे गामा पा चाल बहुत चपल है। क्या कहा? कुछ गड़बड़ है क्या? परेशान मत होइए। उसके कदम आगे पीछे पड़ रहे हैं ये मतलब था। अब समझा। आप बेडरूम में जीरो। आपको कैसे पता? शैतान। मुझे क्या करना मेरी होगा? पूरी बात सुन लो फिर जवाब देना। आप बेडरूम में जीरो का बल्ब लगाओ तो आप हीरो बन के चमक जाओगे। लगा दूंगा। थैंक यू शास्त्री जी। नो मेंशन शिष्य। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते नमस्ते। चलो उठ। जैसा हमने कहा वैसा नहीं किया तो याद रखना कोई नहीं बचेगा। सुनो, अगर उस जेलर की बात नहीं मानी तो तुम्हारे विजय की मौत पक्की है, समझ गई ना? ये बात विजय को जाकर समझा। चल चलो रे। विजय, तुमसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। घर पे सब लोग कैसे हैं? चलो मामी, ये है विजय कुमार। नमस्ते आंटी। ये है श्रीकांत। नमस्ते। और ये है रोजा। नमस्ते आंटी। बेटा विजय, शैलू ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। ग्राफिक डिजाइन में तुमने स्टेट में फर्स्ट रैंक लाया है। मुझे तुम पर फक्र है। थैंक्स आंटी। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली से मिलना था। सॉरी आंटी, इसका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। माँ बाप सब कुछ मैं ही हूँ। जी हाँ आंटी, मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए। मैं अनाथ हूँ आंटी। मैं तेरे साथ हूँ ना यार, तू अनाथ कैसे हुआ? इन दोनों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, कोई अच्छा सा दिन देखकर मुहूर्त तय कर लेते हैं। शर्म, इस खुशी के मौके पर हम सब पिकनिक जाएंगे। क्यों नहीं बेटा, यही तो उम्र है। गो एंड एंजॉय। चुप क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है विजय। इंसान की जिंदगी में जो लिखा है वो और आल में ओ करके ही रहता है। तुम्हारा दुख मैं बांट नहीं सकती क्या? मेरी तकलीफ तुमसे बांटूंगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। चलो, मेरे दिल में तुम बसे हो तो तुम्हारी हर तकलीफ पर मेरा भी हक है। इसीलिए तो मैं जी रहा हूँ। चलो, तुम्हारे मम्मी डैडी कैसे हैं? वो इस वक्त टाइम हो गया। चलो शालू, ए जल्दी करो जल्दी करो, कोर्ट का टाइम हो रहा है। सर टायर पंचर है। ए मेरी जीप खराब हो गई, तुम्हारी बाइक खराब हो गई, इन खराबियों की रिपोर्ट क्यों नहीं बनाते तुम? आपकी तो पूरी जिंदगी खराब है, कितनी रिपोर्ट बनाऊं मैं? ये गाड़ी तो रोज ही खराब होती है, इसको अब गैरेज में डालना पड़ेगा। चलिए आगे पंचर वाला है। पंचर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल इसने क्यों लिखा रखा है? गाड़ियों को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है सर। मैं भी अपनी गाड़ी वहीं ले जाता हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। ठीक है, जो भी है जल्दी करो, कोर्ट का टाइम हो रहा है। मैं लेकर आता हूँ। ले चलो। ये कौन है जो कुंभकर्ण के जैसे सो रहा है? अरे नहीं सर, ये पंचर बनाने वाला डॉक्टर है। डॉक्टर है?
देखते हैं। ये चिंगार क्यों रहा है? डॉक्टर है। किसकी बनानी है? इसकी बनानी है। मैंने, ये गाड़ी पंचर है। हाँ वही वही वही। देखो भाई जरा हमारी हेल्प करो, अर्जेंट पंक्चर बना। अर्जेंट में काम अच्छा नहीं होता, आगे चलकर उसकी जान को खतरा हो जाता है। एक घंटा तो लगेगा ही। ये तो आधा घंटा बोल रहा है। चल चल ठीक है पंचर बना। आप चलिए सर। हाँ चलो। सर आप यहाँ पर बैठिए। ओ मेरी माँ, तुम भी बैठो ना। सुनो ना, ये एक घंटा बोल रहा है, हमें आधे घंटे में कैदियों को कोर्ट पहुँचाना है वरना हम सब कैदी बन जाएंगे। अगर पैदल चले तो? अगर पैदल जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे सर। और ऑटो से चले तो? ऑटो वालों का स्ट्राइक है। कैसी मुसीबत में फंस गए, अब क्या करें? अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, शांति से रहिए ना, बना रहा है ना वो। हाँ ये पंचर बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, तभी तो इसके खर्रांटे बज रहे थे। काम हो गया, गाड़ी ले जा सकते हो। हाँ चलिए सर। अरे रुको ना, उसने तो कह दिया काम हो गया, लेकिन इधर टाइम भी हो गया है, समझो नौकरी कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब? करो रिलैक्स। ऐसा क्यों? कान इधर लाओ। सर जेल में कितने साल हो गए? जितने साल आपके हो गए सर। तो जरा बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि हमें नौकरी से छुट्टी मिलने वाली है। हाँ सर। बेटी रोजा, देखो बेटी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जिस लड़के को मैंने पसंद किया उसे शादी कर लो, तुम भी खुश रहोगी और मेरे दिल को भी शांति मिलेगी। आप कितना भी अच्छा रिश्ता देख लो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं बदलूंगी। मेरे दिल में सिर्फ श्रीकांत है, उसके सिवा कोई नहीं। देखो बेटी, वो एक क्रिमिनल है, इसीलिए वो जेल में है। तुम जिंदगी भर कुंवारी रहोगी कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। जानबूझकर किया या अनजाने में किया, उससे कोई मतलब नहीं है, गुनाह गुनाह होता है। उस दिन से लेकर आज तक आप श्रीकांत की तारीफ करते रहे, आपकी सोच पतली है, मेरी नहीं पापा, मैं उसे नहीं भूलूंगी। रोजा रुको, तुम्हारे कदम घर से बाहर निकले तो क्या होगा पता है? मेरी लाश देखोगी। आपके डराने से प्यार नहीं डरेगा, प्यार में कभी शर्तें नहीं होती। ए विजय, तू कैसा है यार? देख रहा है ना, मैं ठीक हूँ यार। दिनों दिन तेरी हालत कैसी होती जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो सब छोड़, कल शालू आई थी। क्या बात कर रहा है? तेरी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ होगा। ये बता, रोजा तुझसे मिलने आई थी क्या? मैं एक कैदी हूँ ये जानकर मेरे साथ कौन अपना रिश्ता कायम रखना चाहेगा, इसीलिए रोजा की शादी उसके पापा कहीं और करना चाहते हैं। मेरा दिल हमेशा एक ही बात कहता है, जो सच्चा प्यार करता है उसकी जीत होती है। ए, काम करना छोड़ के तू बातें कर रहा है? चल यहाँ से, चल।
हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ तो बता। विजय, उसके साथ कुछ गलत हुआ है माँ। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ है। जब तक तू उसके साथ है, उसे कुछ नहीं होगा। किस्मत में जो लिखा है बेटा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। मानती हूँ कि तूने कोई डरावना सपना देखा, पर माँ, पर यह हकीकत नहीं है। विजय के लिए तेरा दिल कितना तड़प रहा है मैं समझ सकती हूँ बेटा। अब मैं ही कुछ करती हूँ, ठीक है ना? ठीक है। भगवान, अरे ओ भगवान, क्या है जी? मोहतरमा, आज से तुम ही मेरी जिंदगी की कैटरीना, करीना, प्रियंका, सब कुछ हो। तुमसे इस घर की सारी खुशी है, मेरी जिंदगी तुमसे है, हिम्मत में सनी और मर्दानगी में संजय, यानी सब कुछ तुम में है। ये क्या हुआ अचानक ये बदलाव? ये बदलाव मेरा अपना नहीं है, हालात के बदलाव है। इतने सालों से ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद मुझे एक खटारा गाड़ी मिली थी और आज मैं सस्पेंड भी हो गया। थैंक गॉड, इतने वर्षों की मेरी तमन्ना आज पूरी हो गई। भाग्यवान, मैं सस्पेंड हो गया और तुम्हें दुख नहीं हो रहा? वो बात नहीं है जी, मैं आपको हमेशा धुतकारती रही, खरी खोटी सुनाती रही, उसकी सजा मुझे आज मिल गई है। आज कॉम्पिटिशन में मेरी बहुत बेइज्जती हुई, आज मेरी समझ में आ गया कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति का ही साथ देना चाहिए। मम्मी के यहाँ जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? You naughty. तो मैं उठाता हूँ अपनी लाठी और पूरी करता हूँ अपनी दूसरी ड्यूटी। Follow me my sweetheart. Come on. चलो आ जाओ। Don't disturb me. Hey, कौन है रे घर पे? बाहर आओ, बाहर आओ। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? कौन है ये सब? क्या चाहिए इन्हें? अपने उस विजय को समझा दो कि जेलर मैडम की बात मान ले। नहीं कहा तो जान से हाथों बैठेगा। विजय से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? उससे कहो हमारे बॉस ने जो कहा है वो करे। विक्की दादा चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये उसे अच्छी तरह से पता है। चलो रे। कौन थे ये लोग और हमारे विजय का इनसे क्या लेना देना? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग कौन है? हमारा विजय क्या है? वो जेल में क्यों है? ये गुंडे आकर यहाँ तोड़फोड़ करके क्यों गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शालू कुछ कीजिए, हमारी बच्ची को उठा के ले जा रहे हैं। रुको, क्यों नहीं? कुछ तो कीजिए, मेरी बच्ची को ले जा रहे हैं। चलिए पुलिस को कंप्लेन करते हैं। रुको रुको, शांत हो जाओ। पुलिस स्टेशन में गए तो हमारी बच्ची की जान को खतरा है, हमें काम करते हैं, विजय के पास जाकर सब कुछ बता देते हैं। चलो चलो आओ आओ। बेटा, शालू को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। हाँ बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो जैसा कहेंगे वैसा तुम करोगे, वरना हम सबको वो मार डालेंगे, ऐसी धमकी देकर गए हैं। शालू को किसने और किस लिए किडनैप किया गया है ये बात मैं जानता हूँ। हमारी शालू के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है बेटा। हमारी बच्ची की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। हाँ। अगर उसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। Thank you.
विक्की दादा, मुझे यहाँ बुलाने का कोई कारण? होम मिनिस्टर साहब, पार्टी का दिया हुआ टाइम पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना मांगिए अभी देता हूँ, बस वो जेलर अपना वादा पूरा कर दे और विजय हमारे हाथ आ जाए बस। डोंट वरी दादा, उस जेलर को मैं कंट्रोल करता हूँ। ये हुई ना बात, अब अगर हमारा काम नहीं हुआ तो जानते ही मैं क्या करूँगा। सर आप कहिए तो उस विजय को जेल से किडनैप कर लेते हैं। ना 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 ना, वो इतना आसान नहीं है, अगर हम ऐसा वैसा कुछ करेंगे तो पुलिस वालों की निगाह में आ जाएंगे। जेलर से काम करवाने का जिम्मा मेरा, एक बार उसे फोन तो लगाओ। हाँ। जेलर मैडम जी, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, बोलिए। वो विजय कहाँ है? सर उसे रास्ते पर लाने का जिम्मा अब मेरा है। सांप भी मरना चाहिए और लाठी भी ना टूटे। यस सर। किसी भी सूरत में वो काम पूरा करो, तुम्हारा प्रमोशन पक्का। हरी अप। ओके सर। इस होम मिनिस्टर की बात उसने नहीं मानी तो जेलर को होम भेजवा दूंगा। विजय, तुम सुन रहे हो ना? ये लोग मुझे किडनैप करके बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। प्लीज मुझे बचाओ विजय। शालू। विजय, विजय मुझे बहुत डर लग रहा है। शालू। विजय। रिलैक्स, वो मेरे ही लोग हैं। अब बताओ, तुम मेरी बात मानोगे या फिर उसकी जान गंवाओगे? सुना है औरत देवी का रूप होती है, लेकिन तुम कानून की आड़ में तुम इतना बड़ा अपराध कर रही हो, तुम्हारी जैसी औरतें ही कलंक होती हैं। छी, अगर तुम किसी की जान लेना चाहती हो तो मेरी जान लो। कम ऑन, किल मी। अच्छा, मैं तुम्हारी जान पहले नहीं लूंगी, उसे मारूंगी। ए, चलो छोड़ो, मार डालो उसे। चलो। मैडम, इसे कुछ मत करिए प्लीज, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। अच्छा, इसे जरा सी तकलीफ हुई तो तुझे झटका लगा? गुड, गो अहेड। दादा। बोलिए जेलर साहिबा। काम हो गया। अच्छा, वेरी गुड, किसी तरह मनवा ही ली। अरे थैंक यू वेरी मच माय डियर बॉयज। यस सर। टुडे इज वेरी हैप्पी डे फॉर अस। वो विजय मान गया क्या सर? यस। जब चमत्कार हमारे जेब में हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, उस लैपटॉप को जेलर मैडम के पास भिजवा दो इमीडिएटली। नो, इस काम में बहुत ही रिस्क है। विजय पहले ही 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर कर चुका है, अगर इस बार फिर से ऐसा हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। इसके पीछे कितने लोग हैं ये जानने के लिए ही मैं नाइट ड्यूटी का रिस्क उठाने के लिए तैयार हुई हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे प्रति डिपार्टमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। देखो, ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है, सिर्फ ड्यूटी नहीं, हमें तुम्हारी जान भी बहुत ही प्यारी है। हमारे जैसे ऑफिसर्स जिस दिन ये यूनिफॉर्म पहनते हैं उसी दिन अपनी जान
देश के हवाले करते हैं। हमारे राज्य को ही नहीं बल्कि देश को भी तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। Anyhow, be careful. Thank you, sir. तू इतने दिनों से इतनी तकलीफें अकेले झेलता रहा और मुझे बताया भी नहीं। मैं ये बात तुम्हें बताकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, बस इसीलिए। वो जेलर मेरी जान ले लेती, तू बीच में क्यों आया? मेरी जान बचाने के लिए तू देश से गद्दारी करेगा? हे, इस संसार में कोई सबसे ऊंचा रिश्ता है तो वह है दोस्ती का। दोस्ती से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए ये सब कर रहा हूं। आता हूं अभी। वाओ, फैंटास्टिक, सुपर। असली कौन है, नकली कौन है, पहचानना मुश्किल है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ दादा, बहुत खुश हूँ। इसलिए ये काम मैंने आपको दिया। कंग्रेचुलेशन जैकब साहब। हम दोनों आज से पहले कभी नहीं मिले, लेकिन आज इस कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत आप मुझसे मिले और मैं आपसे। इस संसार का कोना कोना ये जैकब जानता है, लेकिन ये जैकब कौन है ये कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम अपना नेटवर्क शांति से चलाते हैं। यस, मेरा भी वही स्टाइल है। इमरान। विकी दादा, ये आपका परसेंटेज। पैसा पैसा। जैकब साहब, इंडियन पुलिस इज वेरी क्लेवर, यहां हर काम संभल कर करना पड़ता है। यू डोंट वरी विकी दादा, ये जैकब सब कुछ संभाल लेगा। सर, यही विजय है। तो डिजाइनर विजय तुम ही हो। तुम जेल से कैसे बाहर आ गए? तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स को जड़ से उखाड़ने के लिए ये विजय सर पे कफन भी बांध सकता है। तुझे चाहिए क्या? वो डिजाइन। पागल है क्या? अब बोल क्या चाहिए? वही डिजाइन। सुन रहे हो, इसे डिजाइन चाहिए, वो भी मुझसे। एड़ा दिखता हूँ क्या तुझे? तुम दोनों को यही गाड़ दूंगा मैं। मेरे साथ धोखा। डोंट मूव, अगर हिले तो शूट कर दूंगी। ए इंद्राणी, क्या हो गया तुम्हें? व्हाट इज दिस एक्टिंग? तुम जैसे गद्दारों को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए, और तुम्हें इस तरह रंगे हाथों पकड़ने के लिए। धोखेबाज, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यस, जहर ही जहर को मारता है। तुम्हारा साथ देकर ही मैं जैकब को पकड़ पाई हूँ। तू क्या सोचती है, यहाँ से जिंदा चली जाएगी? पुलिस, इंडियन पुलिस को तुमने क्या समझा है? ड्यूटी के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। अच्छा, ये बात है। राइट।
This is time bomb. No, भागो। इस धरती के साथ गद्दारी करने वाले आज धूल में मिल गए। थैंक यू इंद्रानी। माई प्लेजर। हमारे देश का चिन्ह तीन शेरों का निशान है, सत्य, न्याय और धर्म। वो तीनों ही हमारे देश के यूथ में है। मिस्टर विजय, अनफॉर्चुनेटली जो गलतियां हुई उसका हमें बहुत खेद है। आज तुम्हारे जैसे ही बहादुर नौजवानों की हमारे डिपार्टमेंट को जरूरत है। एनीवेज, थैंक यू सर। आई एम सॉरी मिस्टर विजय, इस ऑपरेशन के लिए आपको इतना टॉर्चर किया। कोई बात नहीं मैडम, अपने देश के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो भी मैं दे देता। आपने बहुत दुख देख लिया, अब खुशियां इंतजार कर रही हैं। शालू। हाय। थैंक यू शालू। इट्स ओके मैम। मैडम, इसने भी थोड़ी एक्टिंग की।